और ये रहा गन्ने का खेत। ये है सारस जोड़ा, देखिए कितने बड़े हैं ये, बहुत दूर खड़े हुए। और इस वक्त हम आ चुके हैं छोइया नदी, बहुत छोटी सी नदी, हिंदुस्तान की बहुत छोटी नदियों में शुमार है ये। गूगल मैप पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, देखिए कितनी छोटी सी नदी है छोइया नदी। वेरी पीसफुल, बहुत सुकून की जगह। ये हमारे हरीफ भाई टहल लगाते हुए, हरीफ भाई हेलो बोलिए, छोटा भाई मेरा। ये वो हिडन नदी है जिसके बारे में नहीं पता, और ये छोटे से गांव से होके गुजर रही है, मगर ये बरसात में विकराल रूप ले लेती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रोड और ये खेत, ये सब कवर कर लेती है रेनी सीजन में, जिस टाइम ये फुल उस पे चलती है। आ रही है ये भी पहाड़ों से ही, इस तरफ जहाँ मैंने रुक करा है इस तरफ कोटद्वार पड़ता है, यहाँ से 35 to 40 किलोमीटर, और ये नदी वहीं से ही आती है। बरसात में पहाड़ों का पानी उसी हिसाब से फुल चलती है, तो ये सारे खेत कवर कर लेती है। आइए अब चलते हैं आम के बाग की तरफ। ये है जलमुर्गी, वाटर हेन, ये भी पेयर देखने को मिला हमें यहाँ पे, फुल मस्ती के साथ टहलती हुई। और ये है आम का बाग, बहुत बड़ा बाग है ये, 80 से 90 के करीब पेड़ इसमें लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लांटेशन हुआ है।